क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीएसएल नंबर। पीएसएल नंबर में एक्सरसाइज 3A कंप्लीट की थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पीएसएल नंबर की 3B। ओके, एक्सरसाइज है आपके 3B। ओके, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है या कौन सा इक्वल है। ये वाले सिंबल लगाना आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, इक्वल वाला। और इसके बीच में फर्स्ट नंबर आपके ये दे रखा है माइनस के 7/24 और बॉक्स बना हुआ है और माइनस के 3/8। अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है वो आपको करना है। नेक्स्ट आपके अभी साथ ही करेंगे। नेक्स्ट आपके तीन नंबर में दे रहेगा 1/6/10 और फिर दे रहेगा 1/55। फिर आपके देखो डी नंबर थोड़ा अलग से है, जो अलग से है वो सारे कराएंगे। माइनस का 1/5/12 और बॉक्स सर्किल बनना, बॉक्स बना हुआ है माइनस का 1/1 and 1/7/18। ओके, इन तीनों को पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। आप इधर देखना, कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा लेस देन है या नंबर इक्वल है। ओके, तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए से। इसके अंदर अपन को दोनों नंबर कैसे नेगेटिव, यदि एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो डायरेक्ट सिंबल लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो ग्रेटर होगा और नेगेटिव वाला लेस होगा। अब इसमें दोनों में नेगेटिव है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कैसे। इसको आप 7/24 नोट कर दो, माइनस है तो माइनस और माइनस का 3/8। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल करो, इसका भी क्रॉस मल्टीपल, माइनस 7 को 8 के साथ और माइनस 3 को 24 के साथ। अब कौन सा नंबर ग्रेटर हो रहा है, ये तो हो रहा है माइनस के 24, 48 और 72 माइनस के, और हो रहे माइनस के 56। जो नंबर माइनस के अंदर जो नंबर होते हैं वो बड़े दिखते हैं वो क्या होते हैं, रियल में छोटे होते हैं, तो बड़े ग्रेटर कौन से, माइनस के 56, यह सिंबल लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीन नंबर में इसी में क्रॉस मल्टीपल करा के कंपेयर करो, 1/6/10 और 1/15। 6 का मल्टीपल किसके, 35 के साथ और 1 का 10 के साथ। 6 × 35 और 1 × 10 तो यही ग्रेटर होंगे, तो इसके अंदर ये ग्रेटर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब नंबर कौन से, डी के अंदर क्या आ जाएगा आपके, डी को सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 12 और 5 को मल्टीपल करेंगे, इम्प्रॉपर है, में चेंज करते हैं माइनस के 17/12 और ये हो जाएंगे 18 और 7/25 माइनस के 25/18। अब इनका भी क्रॉस मल्टीपल कराओ, ओके, माइनस के 17 को 18 से कराना है और 12 को माइनस के 25 से कराना है। कौन से नंबर ग्रेटर आ रहे हैं वो आपको कैंसिल करना है। देखो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल भी कर सकते हो, ये 6 की टेबल में कितने टाइम कैंसिल हो रहे हैं, 3 टाइम, और ये 6 की टेबल से 2 टाइम, तो ये कितना आ रहा है, माइनस के 51, 17 3 से माइनस के 51 और ये माइनस के 50। अब कौन से नंबर ग्रेटर हो जाएंगे, ये वाले। ओके, ये सिंबल लग गया, नोट कीजिए। फिर इसका एक एच देखिए और आई, और बाकी इसके आपको जो लेफ्ट है क्वेश्चन वो सारा आपको करने है। एच और आई मैं सॉल्व करा रहा हूँ फर्स्ट नंबर के।
एच एन आई एच नंबर में दे रखा 9/20 फिर बॉक्स बना हुआ है 0.45 और आई दे रखा आपके 4 माइनस के 4.5 फिर बॉक्स बना हुआ है 3/7/25 ओके इनको सॉल्व करना है करते हैं सॉल्व 9/20 और 0.45 ये 0.45 है या 5 ये ओके अब इधर देखना इसके अंदर क्या हो जाएगा 9/20 ओके अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 भी नोट कर सकते हैं या इसको एक अलग मेथड बोल सकते ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 और 2 तो पॉइंट को रिमूव कर देते हैं कितना हो जाएगा 45 ये पॉइंट है ये पॉइंट को या ऐसे रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितने नोट कर देंगे 100 क्यों क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 तो 1 लिख के 2 नॉट 0 करने हैं ओके तो 100 हो जाएंगे अब इनका क्रॉस मल्टीपल कराओ कितने हो जाएंगे 9 × 100 और इधर मल्टीपल कराओ 45 × 20 तो ये कितना हो जाएंगे 900 और ये कितना हो गया यहाँ पे 45 को मल्टीपल कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएंगे 90 और 10 कैसे आ जाएंगे इक्वल क्या आ गया इक्वल का सिंबल नेक्स्ट ये देखिए ये नंबर कैसे नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले लार्जेस्ट होते हैं या पॉजिटिव वाले लार्जेस्ट होते हैं तो डायरेक्टली पॉजिटिव ग्रेटर देन कर दो बाद ये हो गया ओके नोट कीजिए अब फर्स्ट के जो भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लेफ्ट है वो आपको सेल्फ होमवर्क में करने हैं ओके नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर राइट इन ऑर्डर लिस्ट टू ग्रेड ओके यानी एसेंडिंग ऑर्डर नोट करना कौन सा ऑर्डर राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटर यानी ग्रेटेस्ट यानी कौन सा ऑर्डर में एसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट नंबर देखते हैं फर्स्ट नंबर दे रहेगा 1/2 − 3/2 5/2 और 7/-2 और −2/2 अब लिस्ट टू ग्रेटर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा एसेंडिंग तो इसमें आपको क्या करना होगा सॉल्व करते हैं सबसे पहले सेम नंबर नोट करते हैं 1/2 − 3/2 5/2 और −7/2 और −2/2 अब अपन को पता है जो नंबर नेगेटिव है वो स्मॉल है लेस है और जो पॉजिटिव है ग्रेट है स्मॉल में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होते हैं जो लार्जेस्ट होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं तो इसमें ये देखो −2/2 यानी कितना हो जाएगा 1 ओके ये −7/2 यानी 3.5 माइनस के और ये −3/2 यानी 1 −1.5 तो सबसे कौन से हो जाएंगे माइनस के ऑर्डर नोट करते हैं ऑर्डर लिस्ट टू ग्रेटर ओके क्या हो जाएगा −7/2 फिर −3/2 फिर कौन सा हो जाएंगे −2/2 फिर अब नंबर कौन से बचे 1/2
और 5/2 तो कौन से हो जाएंगे, कौन से नंबर हो जाएंगे, पहले 1/2 फिर 5/2। ओके ये आंसर आ गया आपके। नोट कीजिए, फिर इसका सी कर लेते हैं। बी और डी आपको खुद को सेल्फ करना है, बी डी आपको सेल्फ करना है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4, 4/5, 0 माइनस के 7/10 और माइनस के 0.8, ये नंबर है। इनको कौन सा ऑर्डर में जमाना है, एसेंडिंग ऑर्डर। ओके सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनका क्या निकाल देते हैं, ये कुछ भी नहीं आ रहा तो इनका अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इसको पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। 1/4, 4/5, 0/1। ओके फिर माइनस के 7/10 और माइनस 0.8 है तो इसके पॉइंट के बाद में कितने डिजिट वन, तो 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 10। ओके अब इनके अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 20, तो इसको 20 एलसीएम से सबको मल्टीपल करा देते हैं। 20 इसके एलसीएम लिए हमने, वो भी नोट कर देता हूँ, एलसीएम ओ 4/5/1 एंड 10 इजिकल टू 20। अब इनको सबको एलसीएम से मल्टीपल करा दो, 1/4 को 20 से और 5/4 को भी 20 से, ओके 0/1 को भी 20 से और माइनस के 7/10 को भी 20 से और माइनस के 8/10 को भी 20 से। अब कैंसिल और कैंसिल कर दो, ये 4 के टेबल से 5 टाइम कैंसिल, ये 5 के 4 टाइम कैंसिल, ये 1 से 20 टाइम कैंसिल, ये 0 से 0 2 और ये 0 से 0। अब क्या लेफ्ट है, 1/5 कितना हो गए, 5 4 4 16, 0/20 का 0, माइनस के 7/2 का माइनस के 14 और माइनस के 2 और माइनस के 8/2 का माइनस के 16। अब इनमें से अपन को कौन सा ऑर्डर से चेंज करना था, एसेंडिंग यानी ऑर्डर लेस टू ग्रेटर। अब इनमें से सबसे लेस कौन सा है, 6 माइनस के 16, माइनस के 16 किस नंबर से आए, 0.8 से, माइनस के 0.8 चाहिए। फिर माइनस के 14 किस से आए, माइनस के 7/10 से। फिर कौन से हैं, फिर 0, फिर 5 किस से आए, 1/5 4 से। फिर नेक्स्ट 16 किस से आए, 4/5 से। ओके यही आपके आंसर है, नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज 3B कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कौन सी, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपके 3C, ये नोट कीजिए। थ्री नंबर एक्सरसाइज 3C,
एक्स इज थ्री सी का फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड ईच सम, आपको सम करना है फ्रैक्शन के अंदर हो गए नंबर, फाइंड ईच सम ओके। फर्स्ट ए नंबर दे रखा है 1/5 प्लस 2/-5 का फाइव, सॉल्व करते हैं फर्स्ट को ओके। क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस का फाइव है तो क्या हो जाएगा, चेंज करते हैं फाइव और ये प्लस और माइनस किसके अंदर हो जाएंगे, माइनस के अंदर तो माइनस का 2/5 ओके। अब इधर देखिए इन दोनों के डिनोमीटर कैसे आ रहे, सेम आ रहे तो एलसीएम भी सेम ही होंगे, फाइव ही होंगे तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे फाइव, एलसीएम कितना आ गया फाइव ओके। वन फाइव की टेबल में फाइव कितने टाइम, वन टाइम वन को वन से मल्टीपल कराएंगे क्या जाएगा वन, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस, फाइव की टेबल में फाइव कितने टाइम आता है वन टाइम, वन को टू से मल्टीपल कराएंगे कितना आएंगे टू ही आएंगे ओके। अब प्लस का वन और माइनस का टू तो कितना हो जाएंगे, माइनस का वन और अपॉन में फाइव, यही आपके आंसर है ओके। फर्स्ट का बस नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपके सेकेंड नंबर बी, बी में दे रखा वन एंड 3/8 प्लस 3 and 7/8 ओके। इनको सोल्व करते हैं, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे दे रहे कि आपके मिक्सर, मिक्सर को किसके अंदर चेंज करेंगे, इन प्रॉपर के अंदर चेंज करेंगे ओके। मिक्सर को किसके अंदर चेंज करेंगे, इन प्रॉपर के अंदर चेंज करेंगे, चेंज करो इसको तो 8 और 1 का मल्टीपल कितना होता है 8 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे 11/8 प्लस 8 और 3 का मल्टीपल कितना 24 और 7 31/8। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, डिनोमीटर सेम है तो 8 ओके, तो 11 प्लस 31 ऐड कर तो कितना हो जाएंगे 1 और 1 2 फोर 3 और 1 4/8। अब डिवाइड कर दो कितने टाइम हो रहा है 8 से, 8 5 जा कितने होते हैं 40, तो 8 5 टाइम हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है रिमाइंडर 2 ओके। ये भी कैंसिल हो रहा है 2 1 और 4, तो इनका ऐसे भी नोट कर सकते हो 5 और 1 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट सी नंबर सी, माइनस के 1/4 प्लस 3/-4 ओके। अब इनको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएंगे, माइनस के 1/4 ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 3/4 ओके। इनका भी डिनोमीटर कैसा है, सेम है डिनोमीटर, डिनोमीटर सेम है तो क्या हो जाएगा एलसीएम भी सेम ही आएंगे, कितना हो जाएंगे 4 और माइनस का 1 और माइनस 3 इक्वल में माइनस का 1 और माइनस 3 कितना हो जाएंगे, माइनस के 4/4 4 से 4 कैंसिल कितना आ जाएगा माइनस का 1 आंसर, नोट कीजिए। डी आपको खुद को सर्च कर लोगे एक तो ई नंबर देखिए, ई ई में क्या है 1 and 3/4 प्लस
माइनस वन एंड वन अपॉन कॉस। ओके सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर है तो इम्प्रॉपर फोर और वन का मल्टीपल फोर, थ्री ऐड करेंगे सेवन अपॉन फोर, ये प्लस और माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का और वन अपॉन फोर, इसी को चेंज कर दो, फोर सेवन अपॉन फोर और वो फोर और वन का मल्टीपल कितना हो जाएगा फोर, वन ऐड कर देंगे ये तो कितना हो जाएगा माइनस है फाइव अपॉन फोर। अब इनको सोल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा फोर, के डिनोमीटर कैसा है सेम है, तो सेवन माइनस फाइव तो कितना हो जाएंगे, सेवन माइनस फाइव जाएंगे तो टू अपॉन फोर, ये टू की टेबल से वन टाइम, ये टू की टेबल टू टाइम, तो आंसर कितना हो गया वन अपॉन टू। ओके नोट कीजिए, नेक्स्ट एप आप खुद सेल्व करना, जी और एस सोल्व करा रहो, जी नंबर क्या दे रखा है माइनस के, जी माइनस के फोर अपॉन फिफ्टीन प्लस फोर अपॉन माइनस फिफ्टीन फिर प्लस माइनस के फोर अपॉन फिफ्टीन, यही है, सॉल्व करते हैं इसको, माइनस के फोर अपॉन फिफ्टीन और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन, फिफ्टीन क्या आ रहा है एलसीएम, तो डिनोमीटर कैसा है सेम, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, एट को तो माइनस एट और फोर माइनस के ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन। ओके ये कैंसिल हो रहा है किसकी टेबल, थ्री से फोर टाइम ये थ्री से फाइव टाइम, तो कितना हो जाएगा माइनस के फोर अपॉन फाइव आंसर। नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है एफ फर्स्ट का सॉल्व कर लेते हैं, क्या दे रखा है माइनस के एच नंबर सेवनटीन अपॉन माइनस के थर्टी प्लस सेवन अपॉन थर्टी और फिर नंबर दे रहे के वन एंड सेवन अपॉन थर्टी। ओके अब इनको देखो एलसीएम थर्टी आएगा, पहले इस मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगी माइनस के सेवनटीन अपॉन थर्टी और सेवन अपॉन थर्टी और ये वन और थर्टी का मल्टीपल कितना हो जाएगा थर्टी और सेवन एट कर देंगे थर्टी सेवन अपॉन थर्टी, डिनोमीटर सेम है तो थर्टी एलसीएम आ जाएगा। ओके माइनस के सेवेंटी प्लस सेवन और प्लस के थर्टी सेवन, यही है, सेवन और थर्टी सेवन कितना हो जाएंगे सेवन, ये सेवन और थर्टी माइनस के सेवेंटी और ये हो जाएंगे आपके फोर्टी फोर अपॉन में थर्टी, अब इनको माइनस कर दो, फोर्टी फोर में से सेवनटीन कितना आ जाएंगे फोर्टीन में से ये सेवन और यहाँ पे थ्री थ्री में से टू ट्वेंटी सेवन, किसके आ जाएंगे ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी। अभी इसको आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आपके आंसर ये भी हो सकता है और मैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूँ वो भी हो सकता है, ये थ्री की टेबल से नाइन टाइम कैंसिल और ये थ्री की टेबल से टेन टाइम कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा नाइन अपॉन टेन, ये भी हो सकते हैं नाइन अपॉन टेन भी आंसर हो सकते हैं, ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी भी आंसर हो सके। ओके ये आपके थ्री सी का एक्सरसाइज थ्री सी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। ओके नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।